सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज भाई साईदास जी के सदे ते जदों ट्रॉली वेच आए तां उत्थे आ के गुरु जी ने कई दिन बतीत किए। सिख संगत आउंदी सी ते आ के गुरु जी दे दर्शन करती सी। श्री कीरतपुर साहब तो बाबा गुरदित्ता जी भी गुरु जी के दर्शन करन वास्ते पिंड ट्रॉली पहुँच गए। माता दमोदरी जी अपने सपुत्र नूं वेख के बहुत प्रसन्न होए ते उन्हां नूं बहुत असीसां दित्तियां। भाई साईदास जी, भाई बिधी चंद जी भी बाबा गुरदित्ता जी नूं आ के मिले। फिर बाबा गुरदित्ता जी की धर्म पत्नी घर दे अंदर गए ते सारियां सस्सां नूं वंदना कीती। पोतरियां नूं वेख के वह बहुत प्रसन्न होईयां ते बाहां नाल चुक के गोद विच बिठा लिया। फिर भाई साईदास जी की धर्म पत्नी बीबी रामो जी के चरणों ते वंदना कीती। बीबी रामो जी माता दमोदरी जी दे वड्डे भैण जी सन। उन्होंने असीस दिती दोहां पुत्रां दी उम्र लंबी होवे। सारियां सस्सां ने शुभ नूह नूं वेख्या ते सन्मान करके अपने नेड़े बिठा लिया। सारियां विच बहुत आनंद होया। गुरु जी का परिवार एक थां इकट्ठा होया। इस तरह कई दिन उत्थे रह के बतीत किते। फिर विसाखी दे मेले का दिहाड़ा आ गया। चारे पासियां दी संगत इकट्ठी हो के आउंदी सी ते भेटावां लै के गुरु जी दे सन्मुख अर्पण करदी सी। संगत नूं दर्शन देण वास्ते जद गुरु जी आ के सुशोभित हो जांदे सन तां अनेक प्रकार दे पदार्थां दे अंबार लग जांदे सन ते उहनां दी कोई गिणती नहीं सी कीती जा सकदी। संगत शरदा धार धार के आउंदी सी ते अपनियां मनोकामनावां पा के चली जांदी सी। कुछ समय बाद माता दमोदरी जी की उम्र पूरी हो गई। उन्होंने अपने प्राणा का अंत समझ लिया। अपने पति सतगुरु जी के दर्शन किए ते हाथ जोड़ के बेनती उचारी, हे प्रभु जी, तुसी सब विधियां नाल लायक हो, वड्डे पुन्ना का फल होण करके मेरे मालक बने हो। मैं जे कदे अनजाण पुणे विच कुछ कहा है तां उसका चंगा महात्म नहीं लिया है। कृपा करके ਉਹ ਮੇਰੀ ਊਣਤਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਮਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਝੋ। गुरु घर की वड्डी भारी महिमा है। इस्त्री या पुरश सारे शरदा धारण करते हैं। तुसी परम गति नूं प्राप्त करोगे। तुसी मेरे सुशील पतिव्रत अते सन्मानयोग पत्नी हो। सदा रहन वाले संगी कदे विछड़दे नहीं। इस जग विच सब ने तन त्यागना है। कोई भारी तो भारी शरीर भी सदा स्थिर नहीं रहेगा। अपनी वारी ते सब चलाना करते हैं। अपने पति जी पासों माता दमोदरी जी सुन के बहुत प्रसन्न होए। फिर सारे परिवार नूं मिले, इशनान करके उत्थे लम्मे पै गए जिथे कुशा का विछौना बनाया सी। अपने पति दे ध्यान विच लिवलीन हो के अपने तन नूं तुरंत छड़ दिता। अपनी सस माता गंगा जी दे पास चले गए, विवान ते चढ़ के चले गए जिस दी भारी शोभा अते चमक दमक सी। सारा परिवार वेखदा ही रह गया। जद प्राणा दा अंत होया वेख्या 1688 बिक्रमी नूं गुरु जी दे महल परलोक चले गए। सब इस्त्रियां मिलके रोईयां। बीबी रामो जी अपनी भैण दे प्यार करके बहुत उदास होए ते सोचदे सन, श्रेष्ठ मत वाली वड्डी वडभागण सी जिसने सारे परिवार दा उद्धार कीता। माता पिता मैनू अते होर बहुत संबंधियों नूं
गुरुपति पासों कल्याण करवाया, जिसने श्री गुरदित्ता जी वर्गे सपुत्र नूं जन्म दिता अते जगत दे ईश्वर प्यारे पति होए हन। इन्हां दी पदवी कित्थे विचारी जा सकती है। सारे संबंधी इस्त्री पुरख तर गए इत्यादक अनेक गुण उचारण करते सन, रो के भैण की प्रीत की प्रित पालना कर रहे सन। माता नानकी जी अते माता मरवाही जी भी बहुत उदास सन। जद इस तरह माता दमोदरी जी के जाण तो बाद सब उदास हो गए तो श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सब नू हटा दिता। यह जगत की रीति है, सारे दे सिर आनी है, इसलिए तुसी उदास ना होवो, इस विच कोई हैरानी वाली गल नहीं है। मृत्यु दियां सारियां रीतां सपुत्र श्री गुरदित्ता जी ने कीतियां जिवें उन्हां नूं कहा गया सी। भाई साईंदास जी नूं माता दमोदरी जी का बहुत अफसोस होया ते कह रहे सन, तुहाडे उपकार सदका ही गुरु जी साडे संबंधी बने हन। इंदर आदि सारे देवते बड़े उमाहित होए सन, जिहड़े सदा ही गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं। उन्हां दे नाल दिन रात मिल के असी सब पक्षां तों धन हो गए हाँ। सानू सारयां नूं छड्ड के पहलां चले गए, हे पति ब्रते, तुसी इन्नी शीघ्रता क्यों धारण कीती? गुरु जी ने कह के सब नूं रोण तों हटाया ते रबाबी बाबक पासों कीर्तन करवाया। भाई बिधी चंद ते पैंदे खां नूं भी बहुत अफसोस होया। फिर संगत ने इशनान करवा के सारी किरत करके एक भारी कीमत वाला बेबान तैयार करवाया। बहुत कीमती कपड़े पवाए गए ते चार पुरशा ने तुरंत बेबान नूं मोढे ते चुक लिया। सारे इकट्ठे होके बाहर चल पए। तीरमल ने फिर चवर चुलाया, संख नूं बहुत उच्ची धुनी विच वजाया गया। जिहड़े अगे अगे जा रहे सन वह मारू राग गा रहे सन। चंदन की वड्डी चिता तैयार की ते उस दे उत्ते धर के अगन भेट कर दिता। श्री गुरदित्ता जी दे नैणा विचों जल वह तुरिया। उस समय कपाल किरिया कीती ते सारयां ने उठ के जल विच इशनान कीता, कीर्तन करवा के भोग पवाया ते बाद विच कड़ा प्रसाद वरताया गया। जिथे जिथे गुरु जी दे संबंध सन उत्थे उत्थे खबर पहुँचा दिती गई। फिर भाई नारायण दास अपनी पत्नी समेत उत्थे आए। भाई साई दास अते बीबी रामो जी ते माता दमोदरी जी दे परलोक गमन दा बहुत असर होया। उन्हां तों माता दमोदरी जी दा विछोड़ा सहन ना हो सकिया, इसलिए कुछ दिनों बाद वह भी अपना शरीर छड के परलोक नूं चले गए। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने उन्हां नूं शुभ गति दित्ती ते मृतक किरिया श्री गुरदित्ता जी ने कीती। भाई नारायण दास जी ते माता दया कौर जी जो कि माता दमोदरी जी दे माता पिता सन, वह भी उन्हां दे अकाल चलाने की खबर सुन के पिंड डरौली पहुँचे ते आ के इन्ने उदास होए कि वह भी उन्हां दा विछोड़ा सहन ना कर सके ते कुछ दिनों बाद वह भी परलोक नूं चले गए। सो साह संगत जी, इस तरह सतगुरु जी ने माता दमोदरी जी, भाई साई दास जी, बीबी रामो जी, भाई नारायण दास जी अते माता दया कौर जी पांच जाणियां दा संस्कार अपने हथी कीता। कीर्तन हो रहा सी ते लोग सुन रहे सन। गुरु जी दी सपुत्री बीबी वीरो जी भी उन्हां दे अंतिम दर्शनां वास्ते पुज गए। सतगुरु जी ने सब नूं धीरज दिता ते कहा, जिहड़ा भी शरीर धारण करदा है उसकी एहो हालत हुंदी है। परमेश्वर दा भाणा सच्चा मनो, जो इस दुनिया विच आया है उसने परलोक जाना ही है। फिर गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करवाया ते 13वें दिन भोग पवाया, कड़ा प्रसाद बहुत तैयार करवाया ते दुख भुला के सब विच वरताया। मेल कई दिन पास रहा ते सब नू भोजन छका के यज्ञ किया। ब्राह्मण साध सिख ते सारी संगत ने खट्टे मिठे रसदायक स्वादी भोजन छके। माल पूड़े पूड़ियाँ वड़े पकौड़े तैयार किए गए ते वड़िया नू धनिया मिर्चा पा के दही विच पाया गया। बहुत पंक्तियां विच बिठा के भोजन छकाया। सारे मन भौंदा भोजन लैके छक रहे सन। फिर सारयां नू धन दवाया
ते उन्हां ने प्रसन्न हो के अपने मुख तो गुरु जी का जस गाया। इस तरह सब का दुख दूर किया ते सारे इकट्ठ नूं धीरज दिता। फिर सारे मिल के अपने अपने घरां नूं चले गए। जब गुरु जी ने उन्हां नूं विदा किया तां उह चले गए गुरु जी ने अपनी सपुत्री बीबी वीरो जी नूं धीरज दिता ते बड़े आदर नाल उन्हां नूं विदा किया। कुछ दिन गुरु जी पिंड ड्रौली विच रहे ते कुछ विचार कीती ते अपने वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं बुलाया ते बड़े आदर नाल पास बिठाया। सारी गल चंगी तरह समझाई। इत्थे रहना हुण साडे मन नूं चंगा नहीं लगदा, सारे परिवार नूं लै के हुण करतारपुर नगर विच जा के वसो, उत्थे सारयां दी सुख शांत लैंदे रहिए, जो भी चाहुंदे हन उह भली प्रकार निर्वाह करो। साडे नाल हुण बहुत भारी फौज है, असी इस देश विच ही विचरांगे, घा ते अन्न इत्थे बहुत है, सूरवीर अते घोड़े सुखी रहणगे। श्री गुरदित्ता जी ने हथ जोड़े ते पिता जी दे अनुसारी हो के बोले, जिवें भी आप जी दी मर्जी होवे उह साडे वास्ते सदा ही चंगी है। माता दमोदरी जी सचखंड जा चुके सन अते दूसरे दोनों महल श्री करतारपुर नूं चले गए सन। सारे चले गए सन ते कोई भी पास नहीं सी। खाली घर विच उदासी छाई हुई सी। जद एक बार गुरु जी ने भाई बिधी चंद नूं अपने पास वेख्या ते वैराग सहित बचन उचारण किया, जगत दे प्यार दी चाल वेखो, एक दिन भरिया सी ते एक दिन सब खाली है। जिहड़े कदी हरे हुंदे हन उह कदी सुक जांदे हन, कदी जन्म लैंदे हन कदी मर जांदे हन, कदी मेल कदी दुखदायक विछोड़ा, कदी संकट कदे सुख। यह जग सदा बदलन वाला है, कदे भी एक रस स्थिर नहीं रहिंदा है। पर जिहड़ा ज्ञानवान है वह मिलण ते प्रसन्न नहीं हुंदा ते विछोड़े दे शोक नूं दुख नहीं जानदा है, इहनां नूं झूठ समझदा है ते प्यार नहीं करदा है। जद कोई खत्म हो जाता है तां क्यों दुख मनेगा। जिहड़ी वस्तु सदा एक रस रहिंदी है, प्रेम करके उस नूं हिरदे विच वसाउंदा है, वह सदा शांत चित उत्तम संत है। अजिहे व्यक्ति नूं साडी वंदना है। मैनूं हुण इस थां रहना चंगा नहीं लगता। भाई साईं दास किते नज़र नहीं आउंदा है। बीबी रामो सहित वह सेवा करदे सन। महान प्रेम नाल भरिया मन सदा नवीन रहिंदा सी। सवेर हुंदिया ही तैयारी करो, हुण साडी इहो ही ख्वाहिश है। यह सुन के भाई बिधी चंद ने हथ जोड़ के कहा, यह संसार पसारा धुंद वांग नज़र आउंदा है, मौत रूप हवा दे वांग वगदी है। खिण विच धीरज रहित हो के बिणस जांदे हन ते कोई भी स्थिर नहीं है। जिन्हां उत्ते तुहाडी कृपा है वह प्रभु का नाम जप के लाभ प्राप्त कर लेंदे हन, नहीं तो लोग हथ झाड़ के चले जाते हैं, किसी तरह भी स्थिर नहीं होंदे, तुर जाते हैं। सवेर हुंदिया ही सवार हो जाओ ते विचरो जिथे तुहाडे जाण दी इच्छा है। जिन्हां दे प्रेम करके तुसी खिचे आउंदे सी ओह दंपती हुण दिखाई नहीं दिंदे। इस तरह कह के कुछ खाधा पीता ते उदास रह के विश्राम किया। सवेर हुंदिया ही नगारे वज उठे ते सारे बलवान योधे जाग पए। सारयां ने छेती ही शौच इशनान कर लिया ते सारयां घोड़ियां उत्ते काठियां पा लईयां। श्री हरगोबिंद जी जंग करना चाहुंदे सन, इस करके उन्हां ने सब प्रकार के बस्तर शस्त्र पहन ले। जद नगर के लोगों ने वेख्या कि गुरु जी कूच करन लगे हैं तो वह मना विच बड़े उदास होकर आए। हथ जोड़ के सारयां ने कहा, भाई साईं दास ने परम पदवी प्राप्त की है, हुण तुसी सवार हो के नगर अते इस दे वसनीकां नूं छड्ड के चले हो। हे महाराज जी, इन्हां दा हुण कौन रखवाला है, किस दे पास जाके असी बेनती करिए, नहीं तां साडे मन चिंता सहित दुख धारण करनगे। दया दे सागर भाव गुरु जी ने फिर धीरज दिता, शंके रहित हो के सुखी सुखी वसो। इत्थे श्री गुरदित्ता जी दा जन्म स्थान है, उसनों पूजो ते शरदा धार के मनो, अते जिथे माता जी दा संस्कार होया है उत्थे सुखदायक देहरा बनाओ। जिसका किते भी कोई काम रुक जावे उस स्थान ते जाके बेनती करो, तुहाडियां सारियां मनोकामनावां पूरियां होणगियां। जे कोई संकट भी पै जावे तो
ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਸਹਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੁਰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਚਤੁਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੈਣ ਹੋਣ। ਸੇਵਕ ਫੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਰੂਪੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਿਠਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।